भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। गोवा पुलिस ने जहां इस बात का खुलासा किया था कि सोनाली के पिए ने उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया था, उसके बाद वो उसके साथ कई घंटों तक बाथरूम में रहा। वहीं अब मामले में एक्शन लेते हुए गोवा पुलिस ने कई और लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 2 ग्राम ड्रग्स बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक ड्रग पेडलर ने सुखविंदर को होटल में MDMA दिया था। सुखविंदर ने ड्रग्स को टॉयलेट में छिपाया था। पुलिस ने गोवा की करनी क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने क्लब के बाथरूम से ड्रग्स बरामद की। इस केस में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, करनी क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बता दें कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और परिवार के आरोपों के बाद सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जिसके बाद पुलिस का शक सुधीर और सुखविंदर पर गया। जानकारी के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर वासी फोगाट के साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे थे। वहीं गोवा पुलिस ने एक CCTV फुटेज को जब्त किया। उसमें सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ नजर आया, लेकिन वो उसे बार बार मना कर रही थी। अब पुलिस को शक है कि पदार्थ MDMA ड्रग है जो वीडियो में सोनाली को दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए केमिकल जांच करवाने की बात की जा रही है। गोवा पुलिस ने बताया कि अब तक 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें करली रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी शामिल हैं। मामले को लेकर IG ओमवीर सिंह बिश्नोई ने ये जानकारी दी कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग पिलाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। सुबह 4:30 बजे जब वो कंट्रोल में नहीं थी तो आरोपी उसे शौचालय में ले गया। 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया इसका आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सारे CCTV फुटेज देखे और दोनों आरोपियों को उसके आधार पर गिरफ्तार किया। बता दें कि सोनाली के भाई ने भाजपा नेता के सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सोनाली के भाई का दावा है कि फोगाट के पीए सांगवान और उनके सहयोगी सुखविंदर एक आपत्तिजनक वीडियो के साथ नेता को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये भी कहा कि फोगाट को कुछ नशीला पदार्थ पिलाने और उसके साथ बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाया गया था। अपनी शिकायत में सोनाली के भाई ने बताया कि जब सोनाली ने अपनी बहन से बात की थी तो बताया था कि एक बार सुधीर ने उसे खीर परोसी थी और बाद में उसे बेचैनी होने लगी, जिसके बाद वो होश खो बैठी। शुरुआती तौर पर फोगाट की मौत की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा था, लेकिन गोवा पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जब उसके पूरे परिवार ने जांच के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हस्तक्षेप की मांग की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।